लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Vishwa, the new world of news, 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 news. प्रेम दीवानी मीरा, प्रेम भक्ति और श्रद्धा की ऐसी पावन त्रिवेणी जो जीवन भर अपने गिरधर गोपाल के चरणों का ध्यान करके जीती रही। 5 वर्ष की नन्ही उम्र से अपनी अंतिम सांसों तक अनदेखे प्रीतम के लिए तड़पती रही और शायद उन्हीं के तपते आंसुओं ने उनकी जन्मस्थली प्रेमस्थली राजस्थान की मिट्टी को सुखाकर रेत बना डाला। वहां के पत्ते पत्ते बूटे बूटे को श्याम रंग बिरंग डाला। मीरा के इसी अनोखे प्रेम ने भक्ति की ऐसी धारा बहा दी जो पिछली 5 सदियों से भक्तों को अपने साथ पहाई चली जा रही है और आने वाली सैकड़ों सदियों तक बहाई चली जाएगी, बहाई चली जाएगी। तो क्या नैना में तू बस डोली
शाम शाम मेरी शाम घन शाम 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 मेरी शाम घन शाम मेरी शाम घन शाम मेरी शाम घन शाम हमारी बिटिया तो बड़ी जल्दी उठ जाती है। क्या कले दादा साहब, अभी हमारे गिरधर जी है ना, बड़े सबेले सबेले उठ जाते हैं। फिर आप ही बताओ, फिर हम कैसे सो सकते हैं? अच्छा, और नहीं तो क्या, इनके कितने साले काम होते हैं, नहलाओ धुलाओ, चंदन घिसो, श्रृंगार करो, भोग लगाओ। अरे वाह 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 वाह, मेरी नन्ही गुड़िया को तो गिरधर गोपाल ने पूरी गृहस्थिन बना दिया है। वो तो है दादा साहब, दादा साहब जाइए भी, हमें इनके भोग का प्रबंध करना है। जरा सी भी देर हो गई तो ये रूठ जाएंगे। फिर आप ही बताओ, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा तो हम चलते हैं, लेकिन हम तो अपनी मीरा की मन की बात ही कहने आए थे। अगर इनके मन की बात हो तो कहो। सुनो बेटी, आज गिरधर की रासलीला का उत्सव है। सच्ची दादा साहब? Bye.
राधा को मिला जैसे किशन, चाहे मेरा भी मन मिले ऐसा तो जन्म। राधा को मिला जैसे किशन, चाहे मेरा भी मन मिले ऐसा तो जन्म। नाचूं झूम के नाचूं, मुरली बजे डांज बजे बाती मेरे बिंदिया बजे। हमारा अहो भाग्य आचार्य जी कि आपने हमारी रियासत को न सिर्फ अपने गिरधर के पावन स्पर्श से पवित्र किया बल्कि आज के मनभावन उत्सव का दर्शन कराकर हमें और मेरता वासियों को धन्य किया। यह सब गिरधर गोपाल की महिमा है। यह रथोत्सव का विचार पूर्व नियोजित नहीं था। हम लोग वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, गिरधर की प्रेरणा से यहां रुक गए। उनके आशीर्वाद और प्रेरणा में ही जीवन की सार्थकता है। आचार्य जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अवश्य पूछिए। ये मेरा नन्ही सी बच्ची है, लेकिन आठों याम अपने सांवरे के रंग में ही डूबी रहती है। हम प्रयत्न करके हार गए, लेकिन उसका ध्यान उधर से हटा नहीं सके। मन को तन से अलग किया जा सकता है राव जी? हम समझे नहीं। गिरधर की इच्छा होगी तो एक दिन अवश्य समझ जाएंगे। अच्छा, आज्ञा दीजिए। मेरे गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल तुम कहाँ हो? गिरधर गोपाल तुम मुझे छोड़ के कहाँ हो गए? गिरधर गोपाल। ओ ले 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 मेरी बेटी, अरे मेरी गुड़िया। आ आ आ गिरधर गोपाल हमें छोड़ के चले गए दादा। ओ बेटा, आचार्य जी और मूर्तियों के साथ
फूल से गिरधर को ले गए होंगे, मूर्ति आ जाएगी। नो चुप रो बेटी चुप रो, हाले लो 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 मेरे, आ जाएगी मूर्ति, आ जाएगी। अरे बेटी बिटिया हो, किधर गोपाल जाए, किधर गोपाल, तुम्हें लौटना ही होगा गिरधर 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 गोपाल, तुम्हें लौटना ही होगा। अरे माधव जी, हम मेड़ता से कितने आगे आ चुके हैं? अभी तो पड़ाव भर आगे आए हैं आचार्य जी। माधव गाड़ी रोक दो। जो आज्ञा आपकी। जय श्री कृष्ण। गिरधर गोपाल तुम्हें लौटना ही होगा, गिरधर गोपाल तुम्हें लौटना ही होगा, गिरधर गोपाल तुम्हें लौटना ही होगा गिरधर गोपाल, तुम्हें लौटना ही होगा गिरधर गोपाल, तुम्हें लौटना ही होगा गिरधर गोपाल, तुम्हें लौटना ही होगा राव जी। गिरधर गोपाल तुम्हें लौटना ही होगा, गिरधर गोपाल तुम्हें आचार्य जी आप। हमें लौटना ही पड़ा राव जी। आपको याद होगा उस दिन हमने एक बात कही थी कि मन से तन को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ कहा था, किंतु हम आपकी इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए थे। आइए आज आप वो भी समझ जाएंगे। आइए। मेरा बेटी तुम्हें लौटना ही होगा। हे भगवान, मेरा बेटी देख तो, बेटी देख तो कौन आया है। मेरा बेटी आचार्य जी आए हैं। आचार्य जी हमारे गिरधर गोपाल कहाँ है? वो तो सदा तुम्हारे पास ही है बेटी। लो मेरी नन्नी राधा, लो। आ गए ना, तुमको आना ही पला ना। अभी हम देखते हैं तुम कहां पर भाग के जाते हो। तुमसे उठेगी? लाओ हम मंदिर में रख दें। नहीं हमसे उठेगी? अरे वाह, हमने उठाएंगे तो इनको हमारे सिवा और कौन उठाएगा हमारे गिरधर जी को। अच्छा अच्छा, संभल के ले जाओ, यहाँ पकड़ो बेटा। हाँ जाओ। गिरधर जी अब हमें कभी छोड़कर मत जाना। आज हमें आपकी बात समझ में आ रही है आचार्य जी। मेरा मेरा गिरधर में समा चुकी है। सचमुच मीरा को गिरधर से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर अपने ही हाथों मीरा को गिरधर के हवाले कर आप निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? अब सोचने का समय नहीं है। आपकी पोती के रूप में जन्मी यह बालिका गिरधर की अनन्य प्रेयसी के रूप में राधा का ही नया रूप है। गिरधर गोपाल, मीरा को आपके हाथों सौंप कर आपका यह भक्त
हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो गया। इस क्षण से मीरा आपकी है, गिरधर गोपाल की है।
महा अबलाबल महरो गिरधर था महरा सिरताज, छोड़ मत जा जो जी महाराज। मेरा मेरा, अरे ओ प्रेम दीवानी। अच्छा हो गया तू आ गई ललिता, तुझे एक नया पद सुनाना था, अभी अभी इन्होंने हमें दिया है। पद तो फिर भी सुन ही लूंगी, पहले मेरी तो कुछ सुन। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे गिरधर जू से भी महत्वपूर्ण हो गई? अच्छा चल बता। तुम्हारे बापा जी आए हैं, सुना है उन्हें तुम्हारे तायासा ने विशेष रूप से बुलाया है। तो अरे दोनों आते ही मंत्रणा कक्ष में चले गए। तो क्या, जब देखो अपने गिरधर में ही खोई रहती हो, दुनिया में बाहर क्या हो रहा है कोई चिंता ही नहीं। हमें काहे की चिंता। चलो ठीक है, किंतु इतने समय बाद तुम्हारे पापा जी आए हैं, क्या उनसे भी नहीं मिलोगी? सांची कहूं सखी, अब तो गिरधर को छोड़ और किसी से भी मिलने जुलने का मन नहीं होता। अगर आज पूज्य पिताजी जीवित होते तो ये समाचार जानकर बहुत खुश होते। हाँ भाई जी, पिताजी ने ही मीरा को पाला पोसा, सिखाया पढ़ाया। मैं तो केवल नामात्र के लिए उसका पिता हूं। मीरा हमारी सबसे लाडली बेटी है रतन। जब राणा संग्राम सिंह जी का यह संदेश मिला तो मुझे एकाएक उन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी मेवाड़ का एक वरिष्ठ सरदार बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, राणा जी ने भी कुछ सोच समझ कर यह प्रस्ताव रखा होगा भाई जी, क्योंकि अगर चित्तौड़ की गद्दी राजपूतानी की नाक समझी जाती है तो हमारा रठौड़ वंश भी राजपूतों की नाक है भाई जी। मेवाड़ की रियासत छोटी भले ही हो, मगर वीरता में हम किसी से छोटे नहीं है। हाँ, सोचना तो केवल यही था कि मेवाड़ का राणा हमसे संबंध बढ़ाकर कोई राजनीति की चाल तो नहीं चल रहा है। सुना है चित्तौड़ का रानीवास भी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, और वहां रानियों में भी आपस में अनबन है, कहीं इससे हमारी मीरा को तो कोई भाग्य का लिखा कोई मिटा तो नहीं सकता भाई जी। किंतु हम अपने संबंध बनाकर यदि मेवाड़ के हाथ मजबूत कर सकें तो यह राजपुताने के हित में ही होगा। हाँ, तो तुम्हारा भी यही विचार है कि हम राणा का प्रस्ताव स्वीकार कर लें और उन्हें उत्तर लिख दें? जी भाई जी, हम सोचते हैं कि इस विषय में एक बार मीरा से भी बात कर लें। कैसी बात करते हैं भाई जी, पिताजी के बाद मीरा आपकी छत्रछाया में बड़ी हुई है, आप जो भी करेंगे उसके हित में ही करेंगे, वो भला आपकी बात से बाहर थोड़ी जा सकती। ठीक है, तो राणा जी को उत्तर लिखे देते हैं, आओ। चलिए भाई जी। स्वास्थ्य श्री वीर शिरोमणि राजपूत गौरव सूर्य कुल तिलक मेवाड़ाधिपति महाराणा संग्राम सिंह जी को मेड़ता से राव विरमदेव का प्रणाम पहुंचे। आपने मेड़तिया राठौड़ से कन्या मांग कर उनका गौरव बढ़ाया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है, आप शुभ मुहूर्त देखकर हमें सूचना भेजने की कृपा करें। आपका राव विरमदेव। हमें खुशी है मंत्री जी कि राव विरमदेव ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु राणा जी मेड़ता तो 360 गांव की छोटी सी रियासत है, उनमें मेरा के पिता के तो केवल 12 ही गांव हैं। आप उनसे संबंध बढ़ाकर मेवाड़ के गौरव को बढ़ा रहे हैं मंत्री जी। हमें विश्वास है कि ना केवल मेड़तियों की बेटी हमारी बहू बनेगी, उनकी तलवार भी हमारी संगनी होगी। आप आज ही रात पुरोहित से कहकर शुभ मुहूर्त निकलवाइए, मेड़तियों की बेटी का तिलक लेकर हम खुद जाना चाहेंगे। जो आज्ञा राणा साहब। आपने ठीक से तो सुना ना उदा भाई। लो और सुनो मासा की बातें, लगता है ये ढीकरी बहरी भी हो गई है। ये बात नहीं है, आश्चर्य तो इस बात का है कि राणा साह ने मुझसे सलाह मशवरा किए बिना
भोजराज का संबंध मेड़ता वालों के यहां तय कर लिया? अभी तो देखती जाइए आगे आगे होता है क्या। ये मत भूलिए मासा कि आप भोजराज भाईसा की सौतेली मां हैं। आज रिश्ता हो रहा है, कल ब्याह होगा और परसों भोजराज राजगद्दी पर बैठेंगे और नरसों हम सब महल के बाहर धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है मासा, सब हो सकता है, सब हो सकता है। ये क्या विक्रम, आपसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हिया में लगी है तो जलन बुझाने के लिए यही तो एक इलाज है। बेचारे भाई साहब। काहे का बेचारा, कैसा बेचारा? राणा संग्राम सिंह अपने लाडले बेटे की शादी चाहे जहां भी कर लें, गद्दी तो इसी नालायक बेटे को मिलेगी। जीते रहो विक्रम, आप पर ही मेरी और आपकी बहन की सारी आशाएं लगी हुई हैं। जिस रोज आप महाराणा बन जाएंगे उस दिन आपकी मासा राजमाता बन जाएगी। और आपकी ये बहन, इसका क्या होगा होने वाले महाराणा का? आप जो चाहेंगी, पहले पहले गद्दी तो हाथ लगने दीजिए। हुकुम, घबराते क्यों है, राज गद्दी तो आपकी है। आपके और राज गद्दी के बीच अगर बाल बराबर भी कोई चीज आए उसका नाश तो निश्चित ही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बहना। घी शक्कर? अरे घी शक्कर, अरे संभल कर भाई साहब। आए आए, इस सरकार ये अबे हमें दिखाता। मर गया। नहीं सरकार, मेरे अन्नदाता, पहले आप मुझे इससे मारिए। वो तो ठीक है, लेकिन 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 तूने ये मुंह क्यों ढक रखा है? ये क्या हुआ? पहले आप मेरे सर पे ये मारिए सरकार, मारिए ना। बस सरकार। अब बता, अब बता क्या हुआ? बात ये है सरकार, क्या आपका काम नहीं हो पाया सरकार? क्या? बात ये है सरकार, मैं चुन्नी ओढ़कर रानीवास में गया था चंपा को आपका संदेश देने, लेकिन सभी दासियों ने मुझे पहचान लिया और जिसके हाथ में जो आया सरकार उसी से मुझे पीटा सरकार। किसी ने झाड़ू से तो किसी ने डंडे से और सरकार किसी ने जूती से। और यही नहीं सरकार, उन्होंने ये कहा आइंदा अगर तू रानीवास में चुन्नी ओढ़कर आया तो तेरी वो गर्दन ही काट कर फेंक देंगे जिस पे तू चुन्नी ओढ़कर आता है। मगर सरकार आपकी दया से आपके दयाराम पंडा की जान बच गई। इसका मतलब कल से कोई और व्यवस्था करनी होगी मुझे। अरे नहीं नहीं सरकार, नहीं नहीं, चंपा का इंतजाम तो मैं ही करूंगा सरकार, मगर बिना चुंडी ओढ़े। ठीक है सरकार। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजक, उर बैजंती माल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अरे ललिता, तू इतना हाँफ क्यों रही है? और ये तोपें किसके सम्मान में दागी जा रही हैं? राणा संग्राम सिंह के सम्मान में, तुझे पता है वो तेरा तिलक लेकर पधार रहे हैं। तेरा ब्याह कुंवर भोजराज के साथ तय हो चुका है। क्या, हमारा ब्याह? लेकिन हमारा ब्याह तो बचपन में ही तय हो चुका है केड़छड़ चू के साथ। नहीं ललिता, ये तोपें किसी के सम्मान में नहीं,
बल्कि किसी के सुहाग को आंख की लपटों में बदलने के लिए दागी जा रही। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। दादा सा, दादा सा, दादा सा, देखिए ना दादा सा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ दादा सा, इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो रहा है? जो ललाट सुहाग के सिंदूर से पहले ही दमदमा रहा हो, उसी पर एक और तिलक लगाना क्या अत्याचार नहीं, पाप नहीं? क्यों दादा सा, जवाब दीजिए दादा सा, बोलिए ना दादा सा, आप बोलते क्यों नहीं? क्या आपको याद नहीं, आप ही ने हमें गिरधर के हवाले किया था, आप ही ने हमें उनकी सुहागन बनाया था। बोलिए ना दादा सा, बोलिए ना दादा सा, आपको कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं? याद है बेटी, हमें सब याद है। सच दादा सा? दादा सा तो फिर रोकिए ना इस अनर्थ को, रोकिए ना दादा सा। ये अनर्थ नहीं बेटी, ये सामान्य सामाजिक धर्म है। विवाह तो हर कन्या का होता है, तुम्हारा भी होगा। इसका मतलब दादा सा आपको कुछ भी याद नहीं? भूल तो तुम रही हो बेटी, क्योंकि तब तो बहुत नन्ही थी। आचार्य जी ने एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन किया था। उन्होंने बताया था कि तुम कृष्ण की अनन्य सखी राधा का ही अवतार हो, और ये जानते हुए भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। ये अन्याय नहीं बेटी, राधा रानी भी तुम्हारी तरह कृष्ण सखी थी, प्रेमिका थी, मन प्राणों से गिरधर की हो चुकी थी, किंतु उनका विवाह गिरधर से नहीं किसी अन्य पुरुष से हुआ था। मन से वो सदा गिरधर की थी, किंतु तन से अपने पति की। तुम भी विवाह के बाद मन से सदैव अपने गोपाल की बनी रह सकती हो। तो यही आपकी आज्ञा है? आज्ञा नहीं बेटी, आशीर्वाद है। सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो। मीरा? हम तुम्हें सभी जगह खो जाए, यहां क्या कर रही हो बेटी? अपने नए जीवन के शुभारंभ के लिए दादा साहब से आशीर्वाद ले रहे थे। हम जानते हैं बेटी, ऐसे अवसरों पर लड़की को उसकी मां की कमी कितनी अखरती है। यदि आज तुम्हारी मां जीवित होती तो दादा सा और ताया सा की ममता ने हमें कोई कमी नहीं होने दी। आपने हमें जन्म दिया, किंतु हमें संस्कार देने वाली तो मेहरता की यह धरती ही है। ऐसा नहीं कहते बेटी, रतन ने तुम्हें बड़े भारी मन से मेहरता के लिए विदा किया था। यह बेचारा तो ऐसा अभागा है कि मृत्यु ने इसकी पत्नी इससे छीन ली। परिस्थितियों ने इकलौती संतान को इससे अलग कर दिया। इसने तुम्हारा बचपन तो देखा नहीं, लेकिन हां, आज डोली उठाने की बेला आ गई। जा रहो, सुखी रहो बेटी। ताया सा, हम शादी करेंगे, मगर आप हमें एक वचन दीजिए। बोलो बेटी। हमें हमारे गिरधर गोपाल से कभी अलग न किया जाए, चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, मगर हमारे गिरधर गोपाल से कभी अलग न करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि राणा सा को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। छोड़ के गोरी
बेटी। कुंवर जी, अगर मेरी मीरा से कुछ भूल चूक हो जाए तो इसे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बिन मां की बच्ची के पालन पोषण में कुछ तो कमी रह ही जाती है। मीरा बहुत भोली लड़की है, इसका ध्यान रखिएगा। हमारी क्यों चिंता करते हैं बाबा जी, हमारा ध्यान रखने वाले तो हमारे साथ ही हैं। ये अनिसा आपकी पुकार पड़ रही है, कुंवर साहब और कुंवरानी जी पधार चुके हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेगी तो थारी कुंवरानी रे पैर नहीं टूट जावेंगे। जा। चलिए माता। पधारिए भाभी साहब। आओ बहुरानी। कुंवर जी, पहले मंदिर की ओर चलो, जोड़े से ढोक देकर कुल की रस्म पूरी करो बेटे। जी हाँ, चलिए कुंवरानी जी। बहुरानी रुक क्यों गई? कुंवर, कुंवरानी को लेकर चलो और कुल देवी का पूजन करो, चलो बेटा। नहीं, इस नहीं का क्या मतलब है भाभी साहब? कुल देवी का पूजन किए बिना कुल लक्ष्मी महलों में प्रवेश नहीं कर सकती बेटी, चलो पूजन करो। किंतु इस मंदिर में गिरधर गोपाल नहीं है, और बिना गिरधर गोपाल के हम कोई भी पूजन नहीं करते। उनका पूजन तो आप रोज ही करती हैं बहुरानी, लेकिन कुलदेवी के दरबार में आपकी ये पहली हाजिरी है, आइए। ये हट यहां नहीं चलेगा भाभी साहब। बिल्कुल नहीं। सूरजमल, राणा साहब आप ही बहू रानी को समझाइए, उनका ये हट तो कुल को ले डूबेगा। समझने की कोशिश करिए ना भाभी साहब, अगर कुलदेवी रूठ गई तो, और अगर हमारे गिरधर रूठ गए तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? नहीं नहीं, ये हम नहीं सह सकेंगे। पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी, इस मंदिर में देवी के अतिरिक्त किसी और देवी देवता को नहीं विराजा जा सकता। बेटी, हमने आपको वचन दिया है, बस आज तो आप हमारी बात रख लीजिए। गिरधर गोपाल, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हमारी हर पूजा की तरह इस पूजा में भी तुम अवश्य होगे। पधारो सावरे, पधारो गिरधर नागर, पधारो श्याम सुंदर। मेरे गिरधर, तुमने अपनी मीरा की लाज रख ली, चलिए
ये क्या बात हुई? लगता है अन्नदाता, लक्ष्मी की जगह इस कुल में किसी जादूगरनी का प्रवेश हुआ है और ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता की बात है। अंदर जाने की बड़ी उतावली हो रही है भाई साहब। जाने देना होता, क्यों परेशान कर रही है हमारे कुंवर को? अरे कैसे जाने दूं, मेघ लिए बिना। हम दूसरे कक्ष में सोने जा रहे हैं, शुभ रात्रि। ओह हम इतने मूर्ख नहीं है कि अपना नेक कटाई में डाल दे। निकालो हमारा नेक। नेक ये ले। जाओ दूसरे कमरे में जाओ। हम भी देखते हैं कि हमारी परी जैसी भाभी से आप कितनी देर तक दूर रहेंगे। नेक दूंगा तुझे बुआ बनाने के बाद। वो सब बाद में, पहले हमारा नेक निकाले। ये ले बाबा। ठीक है पधारो पधारो भाई साहब। धन्यवाद। रात भर यही खड़े रहने का विचार है भाई साहब। कुमरानी साहब आज तो इन बेचारों को कहीं और बिठा दीजिए। क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब तो हमारे भाई साहब ही देंगे। क्यों भाई साहब? आपको पाकर हमें अपने ही भाग्य से ईर्ष्या हो रही है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि धरती पर एक साथ इतना रूप देखने को मिल सकता है और वो भी इतने निकट से। उदा ठीक कहती थी, सुहाग सेज पर भगवान का क्या काम। लाइए हम इन्हें वहां रख दें। भगवान नहीं, मैं तो इनकी सुहागन हूँ। इन्हें छोड़ मैं भला इस सेज पर कैसे रह सकती हूँ? तो क्या हमें सेज पर बैठने का अधिकार नहीं? क्या हम आपके पति नहीं? नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और आपने जो हमारे साथ अग्नि को साक्षी मानकर भंवरे ली सो? हमारे तन ने आपके साथ भंवरे लिए थे कुंवर जू, किंतु मन तो न जाने कितने वर्षों से गिरधर की ही भंवरे फिर रहा है। ये ठिठोली का समय नहीं है। ठिठोली? अपने गिरधर के साथ ठिठोली की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हट नहीं चलेगा तुम्हारा। अपने सुहाग की हट तो सावित्री ने अपने सत्यवान के लिए और दमयंती ने अपने नल के लिए भी की थी। ये बातें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम तो बता चुके थे कि अपने गिरधर से तो हम पल भर भी अलग नहीं होंगे। ठहरिए कुंवर जू। हाँ? आप क्यों जा रहे हो? हम चले जाते हैं। कुंवर भोजराज जी को सेवक दयाराम पंडा का जहार। आओ पंडा, कैसे हो? बस कुंवर जी, इस मंगल अवसर पर तो दयाराम पंडा आपकी दया चाहता है।
ये लो। जादू वो जो सिर चढ़कर बोले। आखिर चमत्कार को नमस्कार करना ही पड़ता है अन्नदाता। मान ही गए बहुरानी की महिमा को सब लोग। धन्य है, धन्य है। भक्ति हो तो ऐसी, लगन हो तो ऐसी, जलने वालों के दांत तो खट्टे हो ही गए। हम भी उदा से यही कह रहे थे भैया, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बहना, अब हमें मिलकर ऐसा उपाय सोचना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मामा साहब, अब तो आप ही का सहारा है। राणा साहब से तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, और अब अगर इस जादूगरनी ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया तो। अरे देखा नहीं कैसे श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे राणा साहब और कुंवर साहब। अरे उन पर तो दोहरा जादू है, एक तो रूप का और दूसरे मंत्र का। अब सोचना यह है कि इस मायावी के रहते भांजे को राजगद्दी पर कैसे बैठाया जाए, जीजा साहब को कैसे समझाया जाए। वो क्या समझेंगे भैया, मेरतियों की बेटी लाए सो लाए, वो तो राव रतन सिंह को मेवाड़ की सरदारी तक पकड़ाए हैं। मामला कठिन है, हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। इससे पहले कि तीर तरकश से निकलकर अपने ठिकाने से जा लगे, आपको कोई उपाय सोचना होगा मामा साहब। निश्चिंत रहो भांजे, निश्चिंत रहो। बहन कर्मावती, हांडा सूरजमल तुम्हारा भाई कहलाने योग्य तभी होगा जब वो भांजे विक्रमादित्य को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा देगा। एक लिंगनाथ जी चाहेंगे तो वो दिन भी जरूर आएगा। बात कर रही है? अरे वही भोजराज भाई साहब की। क्यों, उसे क्या हुआ? अरे नहीं, अरे नहीं, तो रामवती से पूछो ना, इसने तो अपनी आंखों से देखा है। अरे रामवती बताना, बताना, बताना कि भाभी साहब के साथ कौन सोता है। गिरधर। जादू के मुरे। अच्छा। अरे सरा जोर से दे धक्का। जोर से। उदा रोक 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 ना। हुकुम आसा, बहुरानी ने मेहंदी लगवाई कि नहीं? क्या पता, वो तो उनको लेकर झूल रही है। जा उनसे कहे कि रानी साने कहा है कल गणगौर तीज है, दोपहर बाद मंदिर भी जाना है, सो मेहंदी लगवा ले। हुकुम आसा, कह कर देखती हूँ भाभी सास। चल लीला, मेरे भी मेहंदी लगा। ललिता रोकना जरा, भाभी साहब मेहंदी लगाई, मेरी तो रची ही नहीं, जरा आप अपनी दिखलाइए ना। Bye.
मैं होगी मेरा नट भर होगा नाचू झूम के नाचू मुरली भजे चांद भजे माथे मेरे बिंदिया सजे राधा को मिला जैसे किशन चाहे मेरा भी मन मिले ऐसा सजन चोरों की तरह क्या देख रहा है तू भोजराज? वो तेरी है, तेरी पत्नी है, तेरा अधिकार है उस पर। जा, जा भोजराज, अपना अधिकार प्राप्त कर, अपनी पत्नी की देह को जीत। जा, जा भोजराज, वो तेरी है, तेरी है, तेरी है। शायद ये मेरा भ्रम है। ये तू क्या करने जा रहा था भोजराज? भगवान को चुनौती देने जा रहा था? सूर्य की किरणों से अपने हाथ चलाने जा रहा था? नहीं नहीं, मीरा तेरी नहीं, ये तो वो पवित्र तीर्थ है जिसके दर्शन कर, जिसका सत्संग पाकर जन्मों के पाप धोए जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। Thank you.
Okay.
आपने अपने महल में इतनी दासियां छोड़ रखी हैं, पर उनमें से एक भी ऐसी नहीं कि आपके दयाराम पंडा पर दया कर सके। अबे मूर्ख, औरत प्यार करती है प्यार, दया नहीं, समझा? वही तो कह रहा हूं सरकार, मैं कितनों को प्यार करता हूं पर मुझसे कोई नहीं करती। अबे गधे, औरत कुछ देख के प्यार करती है, कुछ देख के, कुछ दौलत की चमक दमक, कुछ मर्दानगी, ये बात चंपा दासी से पूछना। अच्छा सरकार, मैं चलता हूं। जा सरकार, मैं चलता हूं। तो जाना। वो क्या है सरकार, पांव चिपक गए। तू बड़ा कमीना आदमी है। छूट गए सरकार, छूट गए, मैं चलता हूं। अरे दयाराम, जाते जाते चंपा दासी से कहना के हमने याद किया है। यानी दोबारा रानीवास में जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तू कोई पहली बार जा रहा है? चुन्नी ओढ़ के चले जाना। नहीं नहीं सरकार, मैं चुन्नी ओढ़ कर नहीं जाऊंगा। समझ गया सरकार, समझ गया, मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाता हूं। अच्छा सरकार। कुबरानी जी, कुबरानी जी, जल्दी चलिए। पहले हमें मंदिर की सफाई तो कर लेने दीजिए। वो बाद में करिएगा। रुकिए ना। चलिए ना। आप हमें कहाँ लिए जा रहे हो? आइए, हम आपको एक चमत्कार दिखाना चाहते हैं। चमत्कार? आइए। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है, रुकिए ना। आइए जल्दी। कहाँ लिए जा रहे हो? अरे कहाँ गया? क्या अभी अभी हमने स्वर्ग से धरती पर उतरता हुआ एक भव्य मंदिर देखा, और देखा आपके गिरधर गोपाल उसमें प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन खेद है कि आप उन्हें देख पाती, पता नहीं वो दुर्लभ दृश्य कहां सपनों की तरह समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ कुंवर जी, हम तो अब भी देख रहे हैं। किंतु हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ओ, हम समझ गए। क्या? यही कि आप अपने गिरधर की दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकती हैं। सब कुछ नहीं कुंवर जू, केवल गिरधर को और मात्र गिरधर को ही देख पाते हैं। और सच तो ये है, और कुछ देखना भी नहीं चाहते। हमारे मन में एक बात आ रही है। कौन सी बात? गिरधर के लिए ठीक वैसा ही एक मंदिर बनवाना चाहते हैं जैसा अभी अभी हमने देखा था। सच कुंवर जू? हाँ। कुंवर, हमें यहां लाने का कोई विशेष प्रयोजन? जी हाँ राणा साहब, हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं कि हम गिरधर गोपाल का मंदिर बनवा लें। आपकी कुबरानी की भी यही इच्छा है? गिरधर गोपाल का मंदिर, अच्छी बात है। अगर तुम्हारी और कुबरानी की यही इच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप मंदिर कहां बनवाना चाहते हैं? वो जो सामने वाली जमीन है ना, वो? जी। नहीं, यह हमारी कल्पना का मंदिर नहीं, कोई और नमूना दिखाओ। तो इसे देखिए कुंवर जी, शायद इस नमूने को आप अवश्य पसंद करेंगे।
हाँ बिल्कुल यही, हम अभी आए। कुंवरानी जी जो आ गया। ये देखिए ये वही मंदिर है ना? अरे हाँ बिल्कुल वही। मंदिर कितने दिनों में तैयार हो जाएगा कुंवर जी? जल्दी, हमारा यही प्रयत्न है। आप खुश है ना? हाँ हम भी और हमारे गिरधर भी। क्यों जी? मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। रोका कैसे जाए भैया, मंदिर तो राणा साहब की आज्ञा से बनवाया जा रहा है। उफ, राणा साहब भाभी साहब को जाने क्यों सर चढ़ाए जा रहे हैं? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिसका बाप राणा जी का बायां हाथ बन चुका हो उसकी बेटी को तो सर चढ़ाना स्वाभाविक ही है। एक तो लड़ाइयों के कारण चित्तौड़ का कोष वैसे ही खाली होता जा रहा है, ऊपर से ये मंदिर धन पानी की तरह बहा जा रहा है। अगर यही हाल रहा मासा तो हमें कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। ऐसे में तो हम यही कहेंगे बहना, अपनी संतानों के लिए अलग जागीर मांग लो राणा जी से। मामा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, किंतु भैया अगर अलग जागीर मिल जाए तो मेवाड़ को मुट्ठी में करने का रास्ता खुल जाए। तुम्हारी संतानें अभी छोटी हैं, राणा साहब को समझाने का प्रयास करो। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो विक्रम को मौका नहीं मिलेगा राणा बनने का। हाँ मासा ठीक है, हम आज ही राणा साहब के सामने अपनी मांग रखेंगे। केवल मांग रखने से काम नहीं चलेगा मासा, उसे पूरा भी करवाना होगा। यदि आप जरा सा भी नरम पड़ी तो समझिए हमारा तो भविष्य अंधकारमय हो ही गया। धीरज रखो विक्रम, हम पूरी कोशिश करेंगे। राणी साहब, हमें आश्चर्य है कि आपने हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव रखने का साहस कैसे किया। आप जानती हैं कि हम मेवाड़ की शक्ति बढ़ाने और उसकी एकता कायम करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऐसे समय में जबकि हमें मेवाड़ के दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, आप मेवाड़ के टुकड़ा कर देना चाहती हैं। अगर मेवाड़ पर संकट इतना ही गहरा है तो राजकोष का धन बेकार के कामों में पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है राणा साहब? क्या चित्तौड़ में मंदिरों की कमी है जो आपने एक और नया मंदिर बनाने की आज्ञा दे दी? मेवाड़ का धन कब कहां और कैसे खर्च हो यह सोचना आपका नहीं हमारा काम है रानी साहब। ठीक है, तो क्या यह सोचना हमारा काम नहीं राणा साहब कि मेवाड़ की बहू बेटियां कुल की रीत भुलाकर कहीं महलों की ड्योरियां लांघकर लोगों के सामने नाचना गाना ना शुरू कर दे? तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपकी आंखों में वो मंदिर नहीं हमारी बहु रानी मीरा का भजन कीर्तन खटक रहा है? लेकिन याद रखिए हमने उन्हें वचन दिया है कि उनके गिरधर गोपाल से उन्हें कोई अलग नहीं करेगा। अगर हमारे जीते जी हमारे वचन को तोड़ने की किसी ने कोशिश भी की तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप समझ गई ना रानी साहब? अब आप जा सकती हैं। अरे यू रोते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ सोचिए, कुछ करिए। हम क्या करें उदा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। घबरा मत उदा,
जब तेरी मासा को उसका ये भाई समझाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। आ जाइए महाजन जी। जोहार रानी सा। संकोच न करो बहना, ये हमारे बड़े हितैषी मित्र हैं। पूरे मेवाड़ में इनकी धूर्तता की धाक है। हमारी राय है कि कुंवर भी इनसे पूछकर सोच समझकर कदम उठाएं। मामा साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। महाजन जी तो इसी पल से हमारे विश्वस्त सलाहकार बन चुके हैं, तो कहिए हमारे लिए कब समय निकालेंगे आप? पूछना क्या कुंवर जी, ये सेवक तो इसी क्षण से आपकी सेवा में उपस्थित है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इनके यहां आने जाने की सूचना गुप्त ही रखी जाए। ठीक है, किंतु आप क्या सलाह देते हैं? एक छोटा सा काम रानी साहब, जिस मूर्ति के कारण इतना हंगामा हो रहा है, यदि उसी को लुप्त कर दिया जाए तो। बात तो आपकी ठीक लगती है, लेकिन राणा साहब को अगर जरा सी भनक मिल गई तो? यदि इन हाथों में सफाई ना होती तो ये सेवक धूर्तों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाता? आप निश्चिंत होकर मेरी बात सुनिए। चलो चलो। आज तक महाजन अपनी चाल में हारा नहीं और ना ही कभी हारेगा। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, उठिए कुंवर जी, उठिए कुंवर जी। क्या बात है कुंवरानी जी? हाँ, आपने मेरे गिरधर गोपाल को कहीं देखा है? वो तो आपके पास ही थे ना? थे तो, लेकिन फिर कहाँ गए? कहाँ ढूंढूं अपने गिरधर गोपाल को? ललिता, ललिता सखी हो, ललिता उठ।
मेरे गिरधर गोपाल कहाँ चले गए? तूने देखा उन्हें नहीं तो? कहाँ चले गए मेरे गिरधर गोपाल मुझे छोड़कर? कहाँ चले गए? जल्दी कर, चल जल्दी कर, कोई देख तो नहीं रहा। नहीं नहीं चल। बस ना रहा बास और अपना बजेगी बांसुरी, क्यों पता? कुंवर जी तो ऐसे परेशान रहते हैं, ये महाजन का कभी मुझे छोड़कर मत जाना, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आप लोग निश्चिंत रहें, दयाराम और महाजन शुभ संदेश लेकर आने वाले ही होंगे। गजब हो गया सरकार, सरकार गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? देखकर भी विश्वास नहीं होता, कैसा भी हो सकता। अरे लेकिन हुआ क्या? मैं ना कहता था सरकार, मेरती कुबरानी जादूगरनी है। आज ये भी पता चल गया, जिस मूर्ति को वो गिरधर गिरधर कहकर चिपका रखी थी, मूर्ति नहीं है, जादू का पुतला है, पुतला। अरे हमने तो उसे इतने गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था, लेकिन वो धरती फाड़ कर बाहर निकल आई और हमारे पीछे पड़ गई और हमारा ये हाल कर दिया उसने। जाने कैसे कैसे हम अपनी जान बचाकर भाग कर आए। तो क्या वो मूर्ति वापस आ गई? और नहीं तो क्या। जी हाँ सरकार। सूरज भैया, भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। जादू टोने से सब कुछ संभव है बहना। अब तो हमें जादू का जवाब जादू से ही देना होगा।
नाचूंगी नाचूंगी लगा कर मोरनी के पंख मगन में नाचूंगी। मासा वाह, हमारे कुल की लाज इस मंदिर के बहाने महल से बाहर भी नाचने थिरकने लगी। हमारा तो मस्तक शर्म से झुक गया है। खुश रहो। आपने हमें बुलाया राणा साहब? हां भोजराज, हम मीरा बहू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जी, हम ये नहीं कहते कि वो पूजा ना करें, भजन कीर्तन ना करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर बहू को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो मेवाड़ के राजघराने से है, कुंवरानी है। प्रजा के सामने इस तरह नाचना गाना उन्हें शोभा नहीं देता। यह हम सभी के लिए लज्जा का विषय है। भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। जी, कुंवरानी जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि आप हमारी नहीं अपने गिरधर गोपाल की है। यह हमारा आपसी अनुबंध है, हमारा निजी रहस्य है। परंतु राजघराने की निजी बातें
प्रजा की आंखों और कानों तक पहुंचे ये कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, अशोभ नहीं है। आपका तात्पर्य? आप ठीक समझ रही हैं, और सिर्फ हमें ही नहीं, राणा जी को भी यह बात नहीं रुची कि राजघराने की कुबरानी आम जनता के सामने पांव में घुंघरू बांधे बेइज्जत होकर नाचे और गाए। कुंवर जी, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब तो मनुष्य की खींची हुई रेखाएं हैं। हमारे गिरधर के दरबार में कोई भेदभाव नहीं, वहां तो जो भी जाए श्याम सुंदर की कृपा दृष्टि का भिखारी मात्र है। सब एक समान है, सभी को उनकी पूजा अर्चना का अधिकार है। इसका मतलब आप हमारा कहना नहीं मानेंगे? क्यों नहीं, किंतु बात ऐसी तो हो जो मानी जा सके। अब आप ही बताइए, आपकी बात मानने के लिए हम अपने गिरधर जी को कुपित कर दें? जय गिरधर गोपाल। हम ये नहीं कहते कि वो पूजा ना करें, भजन कीर्तन ना करें, मगर बहू को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मेवाड़ के राजघराने से कौरानी प्रजा के सामने इस तरह नाचना गाना उन्हें शोभा नहीं देता। यह हम सभी के लिए लज्जा का विषय है। भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। राणा जी को भी ये बात नहीं रुची कि राजघराने की कुबरानी आम जनता के सामने पांव में घुंघरू बांधे बेइज्जत होकर नाचे और गाए। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब तो मनुष्य की खींची हुई रेखाएं, सभी को उनकी पूजा अर्चना का अधिकार है। इसका मतलब आप हमारा कहना नहीं मानेंगे? क्यों नहीं, किंतु बात ऐसी तो हो जो मानी जा सके। अब आप ही बताइए, आपकी बात मानने के लिए हम अपने गिरधर जी को कुपित कर दें? हम किस धर्म संकट में फंस गए, किसका काम आने और किसका नहीं। सरकार, सरकार। कुछ सोचने भी नहीं देता मूर्ख, क्या बात है? सरकार, आप तो घुटते ही बरस पड़ते हैं। मैं तो शुभ समाचार लाया था। कैसा शुभ समाचार? कुंवर भोजराज को मामूली सा ज्वर हुआ है। मामूली सा ज्वर, ये क्या शुभ समाचार है? लेकिन इसे शुभ समाचार बनाया जा सकता है भांजे, क्यों महाजन? बिल्कुल। वो कैसे? किंतु सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए भांजे। यही राजनीति है भांजे। अब आप विश्राम करिए कुमरानी जी। हम थके ही कब थे कि हमें विश्राम करने की जल्दी पड़ गई। आपकी पीड़ा कुछ कम हुई? आपका हाथ कोई साधारण हाथ थोड़े ही है, इसमें आपके गिरधर गोपाल का आशीर्वाद भी छुपा हुआ है। फिर पीड़ा के टिके रहने की बात ही कहां रह जाती है। एक बात बताइए। कहिए। आपको हमसे कोई शिकायत, कोई दुख या? कुंवर जी, आपने हमारे लिए जो त्याग किया है वो कोई बिरला संसारी पुरुष ही कर सकता है।
पति होने का अधिकार छोड़कर आपने मीरा को गिरधर की अमर सुहागन बना दिया। इस रण को उतारने के लिए तो हमें कई जन्म भी कम पड़ेंगे। हमें लज्जित मत करिए, चाहिए और अपने गिरधर गोपाल के लिए शयन के पद गुनगुनाइए, वरना वह सोएंगे नहीं। पहले आप सो जाइए, फिर हम चले जाएंगे। हम भी सो जाएंगे, अब तो ज्वर भी कम हो गया है, आप निश्चिंत होकर जाइए। किंतु आप चिंता मत करिए, अभी राजवैद्य आने ही वाले हैं। आप अंतापुर में जाकर विश्राम कीजिए। आप लोग एक सर कहा ना, देखो ये जो औषधि तुम लाए हो वो हमें दे दो। छोटे कुंवर आप? हाँ, और उसके बदले में ये औषधि दे देना। ये क्या है? विष। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं राजवैद्य हूं, वर्षों से स्कूल का नमक खाया है, मेरे हाथों से यह पाप नहीं हो सकता। तो तुम्हारा बेटा भी कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। एक बार सोच लो, एक तरफ ये छोटा सा काम है और दूसरी तरफ तुम्हारे बेटे की जान। ले 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 राजवैद, ले। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। कुंवरानी जी जल्दी चलिए, कुंवर जी की तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही है। राणा जी ने आपको बुलाया है। कुंवर, कुंवर, आंखें खोल बेटा, देख बहुरानी आई है। जैसी गिरधर की इच्छा। मामा सास, हमें डर है कि राजवैद्य कहीं सारी बातें उगल न दे। उसका प्रबंध भी हो गया कुंवर जी, रात में विष देकर बाप बेटे दोनों को ताल में ढकेल दिया गया। अब तो किस्सा ही समाप्त हो गया। एक कांटा तो दूर हो गया। मामा सा, अब दूसरा भी निकालना है। कुंवरानी की चिंता ना करो भांजे, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, और अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो उसे भी देख लिया जाएगा। भाभी सा, हे भगवान, ऐसी औरत न देखी न सुनी। उधर तुम्हारी धनी की लाश पड़ी है और इधर ये महारानी श्रृंगार प्रकार के तमाशा देख रही है। हुँ।
जीते जी तो तूने उसके जी को बहुत तड़पाया, अब उसकी आत्मा को तो शांति पा लेने दे। इस भेष में तुझे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? अरे जल्दी कर, अर्थी उठने ही वाली है। उदा चल तोड़ डालिए चूड़ा, बच दे टीका। ये कुलबर्णी यूं नहीं मानेगी, आगे बढ़ो, तोड़ डालिए चूड़ा। मीरा के सुहाग को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अरे जा, अब तेरा हट नहीं चलेगा, समझी? मीरा गिरधर गोपाल की सुहागन है, गिरधर की अमर सुहागन, उसका सुहाग कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं गिरधर भी नहीं। उदा, राणा सा से कहकर कुंवर के साथ ही चिता में इसके साथी होने का प्रबंध करवा, कहानी यही तो खत्म हो। चिता में जलने की घड़ी हर किसी के जीवन में आती है मासा, मेरे जीवन में भी आएगी, किंतु आज तो कुंवर जी को अकेले ही जाना होगा। क्यों, बड़ी भक्तन बनी फिरती है, इतना भी नहीं जानती कि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है? जहाँ पति वही पत्नी, जहाँ पति वही सती, यही हमारी प्रथा है। यही तो मैं भी कहती हूँ, जहाँ पति वहाँ सती, जहाँ गिरधर वही उनकी मीरा, वही उनकी मीरा। तेरी इस करनी का दंड तो मैं राणा साहब से कहकर दिलवाऊंगी। आपकी लाडली मीरा ने तो राजघराने की नाक कटवा दी है राणा साहब। चौपी उन्हें सुहागन के वेश में देखता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, थूकता है राजघराने पर। कोई लाभ नहीं इनसे कुछ कहने का, ये सब अनर्थ तो इन्हें भी दिखलाई पड़ता होगा। राणा साहब, मैं आपसे अंतिम बार पूछती हूं कि इन महलों में विधवा को एक सुहागन के रूप में रख देना क्या आपकी परंपरा के अनुकूल है? ये सब क्या आपको स्वीकार है? हमारी दृष्टता के लिए हमें क्षमा करें राणा जी। अब हम स्वयं भी इन महलों में नहीं रहना चाहते, यहां हमारा मन घुटता है। फिर कहां रहना चाहती है हमारी बेटी? अपने गिरधर की छाया में, और गिरधर की छाया तो हर तीर्थ, हर मंदिर, हर भक्त के मन में रहती है। तुम्हारा यही निर्णय है? ये हमारा निर्णय नहीं, ये तो गिरधर गोपाल की इच्छा है। तो ठीक है बेटी, गिरधर की इच्छा ही सर्वोपरि है, तुम्हारी तीर्थ यात्रा की व्यवस्था कर दी जाएगी। तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, तुम पर छोड़ी जीवन नैया, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, जीवन नैया। बीच भंवर में चाहे डुबो दो,
चाहे पार लगा दो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, तुम पर छोड़ी जीवन नैया। ये मेरी जब से खुली है, खाओ कहीं ना मुझको मिली है, आँख ये मेरी जब से खुली है, खाओ कहीं ना मुझको मिली है, लंबा सफर है धूप कड़ी है, आस तुम्हारे दर से लगी है, तुम चाहो तो कांटों में भी, तुम चाहो तो कांटों में भी पल में फूल खिला दो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, तुम पर छोड़ी जीवन नैया। और नहीं है अपना ठिकाना, तुम सब जानो क्या है बताना, और नहीं है अपना ठिकाना, तुम सब जानो क्या है बताना, रात बड़ी है हम की घड़ी है, कैसी विपता मुझ पे पड़ी है, छोड़ के तुमको जाऊं कहां मैं, छोड़ के तुमको जाऊं कहां मैं, मुझको ये तो बता दो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, तुम पर छोड़ी जीवन नैया, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, तुम पर छोड़ी जीवन नैया, बीच भंवर में चाहे डुबो दो, चाहे पार लगा दो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही कन्हैया, तुम ही कन्हैया, तुम ही कन्हैया, तुम ही कन्हैया, तुम ही कन्हैया। अरे आप कहां चली आ रही हैं? लौट जाइए, हम हाथ जोड़कर कहते हैं लौट जाइए। यह जीव गोस्वामी जी का आश्रम है। अरे तभी तो कहते हैं लौट जाइए, उनसे भेंट नहीं हो सकती। क्यों, वो ध्यान में है क्या? ये बात नहीं, किंतु यहां स्त्रियों का प्रवेश मना है। कारण? गुसाई जी बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों की छाया तक से दूर रहते हैं। अच्छा,
तो क्या वो स्वयं को पुरुष मानते हैं? अरे वाह, ब्रह्मचारी क्या पुरुष नहीं होता? मैं तो इतना समझती हूँ कि केवल एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष उत्तम, और उनके अतिरिक्त मीरा ना तो किसी पुरुष को जानती है और न मानती है। तो भाई जाकर गोस्वामी जी से कहिए कि अपने गिरधर के सिवा मीरा और किसी पुरुष से नहीं मिलती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। क्षमा करें माता, इस अज्ञानी से भारी भूल हो गई है। आपने जो तत्व ज्ञान दिया है वो कोई बहुत पहुंचा हुआ विचारक ही दे सकता है। देवी उठिए गोसाई जी, भूल करना तो मानव स्वभाव है। इस गुरु को छोड़कर तो मैं तभी जाऊंगा जब इस मूर्ख को आप क्षमा कर देंगी। देवी क्षमा करने वाले तो गिरधर गोपाल हैं। अब हट मत कीजिए, हम अपनी राह पर बढ़ चुके हैं, अब हम लौटेंगे नहीं। जोहार रानी सा। जीते रहो। चित्तौड़ से क्या समाचार लाए हो भाई? बहुत बुरे समाचार हैं रानी सा। जब से आपने चित्तौड़ छोड़ा मानो चित्तौड़ की भाग्य लक्ष्मी ही रूठ गई। महाराणा संग्राम सिंह और आपके पिता राव रतन सिंह युद्ध में काम आए। जैसी गिरधर की इच्छा। चित्तौड़ पर एक और आक्रमण हुआ। सारे वीर केसरिया बाना पहनकर युद्ध में कूद पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। रानी कर्मावती कैसी है? चित्तौड़ की सारी राजपुतानियों के साथ रानी जी भी जौहर की ज्वालाओं में सती हो गई। ये भी गिरधर की ही इच्छा है। किंतु चित्तौड़ की प्रजा की यही इच्छा है कि आप चित्तौड़ लौट चलें। आपके सत्कर्मों के कारण चित्तौड़ की भाग्य लक्ष्मी लौट आएगी। गिरधर का सोना मंदिर अपने गिरधर को पाकर एक बार फिर खुशी की लहर लौटा लाएगा। ना मत कहिए रानी जी, ये त्राही त्राही करती चित्तौड़ की जनता की पुकार है। बचा लीजिए चित्तौड़ को, बचा लीजिए। आज्ञा। मेरी है गिरधर गोपाल, मेरी है गिरधर गोपाल, मेरी है गिरधर गोपाल, मेरी है गिरधर गोपाल। कैसे रहूं मैं भला इनके बिना, है साथ इनके मेरा मरना गिरधर गोपाल। वर्षों पहले ये जादूगरनी चित्तौड़ छोड़ के जब स्वयं चली गई तो हमें लगा कि प्रभु ने हमारे कुल के मान की रक्षा कर ली। हम तो ये भी भूल गए कि नगर नगर गली गली भटकने वाले पाखंडन हमारी कुछ लगती भी है। लेकिन एक बार फिर वही पुराना तमाशा शुरू कर इसने हमें फिर से सब कुछ याद दिला दिया है। हमारी नींद
भूख प्यास सब कुछ छीन लिया इस औरत ने। और अन्नदाता, इस बार वो जनता का बल साथ लेकर लौटी है, और अगर आपने उसे यहां से जबरन निकालने का प्रयास किया तो प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। इस सेवक के होते हुए आप अपने मस्तिष्क पर इतना बल क्यों दे रहे हैं राणा जी? बहुत दिनों से आपकी चिंता देख रहा था, सोचा आज इस चीज का उपाय अपने साथ लेकर चलो। ये विष है, ऐसा विष जिसकी एक ही बूंद प्राण हरने के लिए काफी है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद की बातें आप मत सोचिए। मैं शव को उठाकर ऐसी जगह फिकवा दूंगा कि किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। वो तो ठीक है, किंतु किंतु ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। दयाराम पंडा के होते हुए आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं राणा जी? दयाराम, क्या तुम ये काम कर सकोगे? जोहार राणी सा। राणा जी ने चरणामृत आपके लिए भिजवाया है। कहा है मेरता से चतुर भुजना जी का चरणामृत आपके ताईसा ने खास तौर से आपके लिए भिजवाया है। चतुर भुजना का चरणामृत? जी हां। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। अच्छी बात है। नहीं, इसे मत लीजिए। क्यों? ये राणा सा का शुभचिंतक है। मैं जानती हूं ललिता, लेकिन चरणामृत कहकर जो भी मुझे दिया गया है मैं उसका अनादर नहीं करना चाहती। गिरधर गोपाल का ही चरणामृत मानकर इसको ग्रहण करूंगी। गोवरानी जी, ये देखो ये देखो, गिरधर की प्रतिमा नीली पड़ गई। क्या पकता है तू? जहर उस पाखंडनी ने पिया और गिरधर नीले हो गए। वो मानवी नहीं, देवी है। मैंने अपनी आंखों से देखा सरकार। ये ढोंग, ये चमत्कार मैं खूब समझता हूं। उस कुलक्षणी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाथ भर का गिरधर नाम का खिलौना भी नहीं। ऐसा दुस्साहस न करो बेटा, हम नादान थे जो भक्ति की शक्ति को जादू का खेल समझते रहे, किंतु Thank you.
ललिता, हम यहां से जाना चाहते हैं, राणा के भय से नहीं, बल्कि इस दुख के कारण कि हमारी वजह से हमारे गिरधर जू को बहुत कष्ट उठाने पड़े। अब और नहीं गिरधर, अब और नहीं। ये क्या कह रही हो कुंवरानी, क्या तुम भी मुझे छोड़कर? कुंवरानी नहीं, मीरा कहो, तुम्हारी सखी मीरा। हमारा साथ यहीं तक का था, इसे गिरधर की इच्छा मानकर इसका आदर करो।
ये कुछ न जाने के है शाम दीवानी औरों से मिलती ना किसकी कहानी बचपन भी बीता है इसका तड़प के पीड़ा में बीती है इसकी जवानी संसार को क्या देती चली है मीरा संसार को क्या देती चली है मीरा अपने पिया की धुन में देखो रे लोगों कैसी लगन है गिरधर के रंग में ढली है मीरा गिरधर के रंग में ढली है मीरा संसार को क्या देती ढली है मीरा संसार को Thank you.